दीपावली पर्व के अवसर पर राप्ती संस्कृति संरक्षण न्यास के तत्वाधान में राप्ती नदी के तट पर नवनिर्मित स्नान घाट पर दीपोत्सव और राप्ती माँ की आरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल, प्रमोद टेकड़ीवाल, सत्य प्रकाश सिंह मुन्ना, संरक्षण न्यास के अध्यक्ष सोमेश्वर पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर पूरे घाट को 2000 दीपों से जल सजाया गया तथा मौजूद लोगों द्वारा राप्ती की आरती उतारी गई। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम आयोजक सोमेश्वर पांडे और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, राप्ती मैया की, प्रभु राम की, हनुमान की, हर हर महादेव। दीप महोत्सव की जय। दीप महोत्सव की जय। राप्ती महोत्सव की जय। महावीर जयंती की जय। महावीर जयंती की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में रहना हो। विश्व का कल्याण हो। मेरा नाम सोमेश्वर पांडे, राप्ती संस्कृत संरक्षण न्यास गोरखपुर। ये कार्यक्रम हम लोग 2015 10 नवंबर छोटी दीपावली के दिन शुरुआत किए थे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन सांसद हुआ करते थे मुख्य अतिथि के रूप में। उन्होंने घोषणा की थी हम लोगों की मांग पर यहाँ सौंदर्यकृत जो है स्नान घाट का निर्माण कराया जाएगा। अब वो सपना गोरखपुर का पूरा हो रहा है। अब जैसे ये स्नान घाट पूर्ण हो जाएगा तो पूरे पूर्वांचल का एक राप्ती महोत्सव बड़े ही व्यापक पैमाने पे आयोजन किया जाएगा। माँ राप्ती कभी ज़माने में गोरखपुर की लाइफ लाइन हुआ करती थी और गोरखपुर का जो स्वरूप देख रहे हैं, जल मार्ग से यहाँ पर व्यापार होता था और माँ राप्ती की प्रदूषण से मुक्ति दिलाने, इसको साफ सुथरा रखने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं बहुत दिनों से। हमारे बीच में हमारे प्रमोद जी हैं, हमारे सोमेश्वर पांडे जी हैं, हमारे सत्य प्रकाश मुन्ना जी हैं, हमारे पार्षद संजय जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, धर्मेंद्र सिंह भी हैं और भी हमारे सभी यहाँ महानुभाव उपस्थित हैं। हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हम लोग 11 घाट पूरा होने के बाद राप्ती महोत्सव मनाएंगे। ये हमारे मुख्य मंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम यहाँ पर आधुनिक सौदागृह दे रहे हैं और हम नदियों ये घाट के दोनों तरफ मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में इसका सुंदरीकरण किया जा रहा है। आने वाले समय में ये घाट गोरखपुर का दर्शनीय स्थल बनेगा और काफ़ी लोग यहाँ पर आएंगे, एक पिकनिक स्पॉट बनेगा और साथ ही साथ हम लोगों का विशेष ध्यान रहेगा राप्ती का संरक्षण संवर्धन और इसकी पवित्रता बनाए रखेंगे। श्रद्धालु यहाँ पर हर त्योहारों को मौके पर बड़ी संख्या में आते हैं, नगर निगम उसकी पूरी व्यवस्था देता है। यह काम पर्यटन विभाग और नगर निगम के संयुक्त प्रयास से हो रहा है। इसमें मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और यह बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे आने दिनों में यहाँ गौरववासी आएंगे और इस राप्ती माँ की पूजा करेंगे, स्नान करेंगे और यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र के सौदागिरी भी आधुनिक बना है और इस सौदागिरी बढ़ने से यहाँ पर नदियों में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा और सुरक्षित ढंग से यहाँ पर सौदागिरी किया जाएगा। इसी साल में सौदागिरी बनकर तैयार हो गया है, चालू हो जाएगा। मैं आए हुए सभी अतिथियों का आज महावीर जयंती के अवसर पर, हनुमान जयंती के अवसर पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं गोरखपुर वासियों की तरफ से देता हूं। जय हिंद।